हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक केयर बी के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं करंट अफेयर 2021 के पार्ट 13 को, जिसमें हम जनवरी से सितंबर तक के 750 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो होंगे आपके आने वाले 67वां बीपीएससी पीटी, बिहार एसआई पीटी, आरआरबी एनटीपीसी मेंस ग्रुप डी, एसएससी जीडी, इन सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए इस सेट को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। तो ध्यान रखें, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है गुजरात में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या दो कि किस राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। तो ध्यान रखें, असम सरकार ने अपने राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या तीन कि केंद्र सरकार द्वारा समागम शिक्षा योजना के तहत संचालित स्कूल और छात्रावासों का नाम किन के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। तो ध्यान रखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या चार और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस शहर में देश का पहला खदान एटीएम स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिए, भारत का पहला खदान एटीएम जो है ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न का प्रश्न संख्या पाँच की मातृ कवच या मातृ कवचम अभियान का शुरुआत किस राज्य में किया गया है। तो ध्यान रखें, मातृ कवच अभियान का शुरुआत केरल राज्य में किया गया है और ये गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। तो प्रश्न को ध्यान रखें। अगला प्रश्न का प्रश्न संख्या छः कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क किस देश में लगाया गया है। तो ध्यान रखें, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क तैरता हुआ सिंगापुर में लगाया गया है। यदि आप आने वाले समय में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। अगला प्रश्न आपका है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर में कितने प्रतिशत FDI की मंजूरी दी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखें टेलीकॉम सेक्टर में 100% हो गया है विदेशी निवेश। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या आठ की भारत के 200 अलग अलग स्थानों पर एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना किस संस्था ने की है। तो ध्यान रखें, ये किसानों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए भारतीय मौसम विज्ञान ने लगाया है भारत के अलग अलग 200 शहरों में एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। अगला आपका प्रश्न संख्या नौ है कि भारत तथा जापान के बीच GMAX 9 सैन्य अभ्यास 2021 में कहाँ पर संपन्न हुआ है। तो ध्यान रखें, 2021 में ये अरब सागर में हुआ है और याद रखें कि GMAX सैन्य अभ्यास जो है भारत और जापान से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका सैन्य अभ्यास से जुड़ा है, प्रश्न संख्या 10 की भारत तथा नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो ध्यान रखें, प्रश्न इस तरह भी घुमाकर पूछा जा सकता है, किन किन देशों में ना पूछ करके पूछा जाए कहाँ पर हुआ है। तो जो इस बार आपका सूर्य किरण सैन्य अभ्यास हुआ ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है और जो कि भारत और नेपाल के बीच हुआ है। अगला प्रश्न प्रश्न के 11 आपका है कि यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस स्टेशन को 5 स्टार इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखें, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है और ये सम्मानित किया है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने। अगला प्रश्न प्रश्न के 12 आपका है कि ई गोपाला पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है। तो ध्यान रखें, ई गोपाला पोर्टल जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आपका है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा है। तो ध्यान रखें, डेनमार्क की राजधानी कोपेगन है सुरक्षित शहरों की सूची में सबसे प्रथम स्थान पर। अगला प्रश्न प्रश्न का 14 आपका है कि प्रति वर्ग मील CCTV कैमरा लगाने में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा शहर का है। तो ध्यान रखें, दिल्ली है इस मामला में प्रथम स्थान पर। प्रश्न संख्या 15 आपका है कि लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य ने की है। तो ध्यान रखें, लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हाल ही में प्रदेश ने किया है और इसके अंतर्गत ग्रेजुएशन में प्रवेश पाने वाली बालिकाओं को प्रवेश करते ही 20,000 रुपये छात्रा को दिया जाएगा इस योजना के तहत। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 16 की दलित बंधु योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है। तो ध्यान रखें, दलित बंधु योजना की शुरुआत हाल ही में तेलंगाना सरकार ने किया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 का एक लगातार 30 घंटों तक सितार बजाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले भारतीय शिक्षक एवं सितार वादक का नाम क्या है। तो ध्यान रखें, इनका नाम है राजकुमार जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने लगातार 30 घंटे तक सितार बजा करके रिकॉर्ड कायम किया जो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में
इनका नाम दर्ज हुआ। अगला प्रश्न आता है कि मिशन वात्सल्य किस सरकार ने शुरू किया है, तो हाल ही में ध्यान रखें महाराष्ट्र सरकार ने मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत किए हैं। इसमें कोविड में अपने परिवार को खोने वाले जो महिलाएं हैं उनको इस योजना के तहत 5 लाख रुपये दिया जाएगा, तो ध्यान रखें इस प्रश्न को। अगला प्रश्न का प्रश्न क्या 19 की 25 अगस्त 2021 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में सुजलम योजना की शुरुआत की, इसका लक्ष्य क्या है, तो ध्यान रखें 100 दिनों तक अभियान जिसमें गांवों में जल प्रबंधन तथा गांवों को ODF बनाना है। ये 100 दिनों का एक अभियान है जिसके अंतर्गत गांव में जल प्रबंधन कराना और गांव को ODF बनाना लक्ष्य रखा गया है। स्कीम का सुजलम योजना ध्यान रखें। अगला प्रश्न का 20 आ पाया कि मार्च 2021 में डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखें जो मार्च 2021 में शामिल किया गया था उसका नाम था INS करंज, और अभी हाल ही में 25 नवंबर 2021 को इसका चौथा जो मतलब पनडुब्बी था उसको शामिल किया गया, तो उसका नाम है इस बार ध्यान रखें INS बेला। अगला प्रश्न का प्रश्न संख्या 21 की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने नियो नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीकल वाहन विकसित किया है, इसकी अधिकतम गति क्या है, तो ध्यान रखें इसकी अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला प्रश्न आपका है कि जुलाई 2021 में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत किसने की है, तो ध्यान रखें गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस योजना की शुरुआत की है, और इसका नारा इस पर रखा गया है एवरी ग्रीन नॉर्थ ईस्ट, और ये जो कार्यक्रम है संचालन किया जा रहा है असम राइफल्स और मेघालय सरकार दोनों मिल करके इसको कर रहा है। अगला प्रश्न संख्या 23 आपका है जो हाल ही में चर्चा में रहा, तो नागालैंड का ये नागा राजा मिर्च है, ध्यान रखें नागा राजा मिर्च पूछ सकता है कि किस राज्य से संबंधित है, ये आपका नागालैंड राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में लंदन में इसकी पहली बार निर्यात किया गया है, तो इसलिए प्रश्न ये चर्चा में है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको ध्यान रखें कि नागा राजा मिर्च का संबंध किस राज्य से है, नागालैंड से है। अगला प्रश्न प्रश्न का 24 आपका है कि अपने उच्च न्यायालय की कार्यवाही को यूट्यूब पर लाइव प्रसारण करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ध्यान रखें गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने जो उच्च न्यायालय की कार्यवाही है उसको यूट्यूब पर लाइव प्रसारण करना शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न और इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न ध्यान रखें अति महत्वपूर्ण है कि हाल ही में राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व की मंजूरी किसको मिली, तो वहाँ की जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है उसको वहाँ के चौथे रिजर्व के रूप में मान्यता मिली है जो कि बूंदी राजस्थान में पड़ता है, तो ध्यान रखें डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है जिसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।